हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिज़ायर आईएस। दोस्तों आज हम इंडियन नेवी के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडियन नेवी की कौन सी शिप्स हैं, नेवल वेसल्स हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंडियन नेवी की जो इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, जो काम जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो सबमरीन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं नेवी के पास में, डिस्ट्रॉयर होते हैं, फ्रिगेट्स होते हैं, कॉर्वेट्स होते हैं, ठीक है, और पेट्रोलिंग के वेसल्स होते हैं। तो इनका डिफरेंट डिफरेंट जो काम होते हैं नेवी के लिए, उनमें अलग अलग रोल होता है। तो चलिए इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले सबमरीन के बारे में देखते हैं। तो सबमरीन, जैसा कि आपको पता है, पानी के अंदर जाएगी इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करने के लिए, और अगर वॉर का टाइम होता है तो उस टाइम अटैक करने के काम भी आती है सबमरीन। तो सबमरीन के बारे में देखेंगे। इंडियन सबमरीन कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे दो प्रकार की हैं हमारे पास, एक न्यूक्लियर पावर्ड, दूसरी कन्वेंशनल। कन्वेंशनल कौन सी, जो डीजल से चलती है। तो जो फर्स्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने इनके बीच में डिफरेंस देखा था कि कन्वेंशनल और न्यूक्लियर पावर में क्या डिफरेंस होता है। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इनके अंदर, उससे चलती है, और कन्वेंशनल जो है वो डीजल से चलती है, ठीक है। तो इनकी एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो हमने देखी थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो इसमें हम रिपीट नहीं करेंगे। न्यूक्लियर होगी, न्यूक्लियर के अंदर न्यूक्लियर प्लांट लगाया, कन्वेंशनल में डीजल सबमरीन है। तो इंडिया के पास कौन कौन सी है न्यूक्लियर, न्यूक्लियर है हमारे पास INS चक्रा। तो अगर क्वेश्चन आता है INS चक्रा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ठीक है, और इसको SSN भी बोलते हैं। तो ये एक तरीके से इन्होंने डेजिग्नेट किया हुआ है, साइन बोर्ड लगाया हुआ है। SSN का मतलब हम देखेंगे, फर्स्ट जो SS होता है इसका मतलब होता है कि एक अंदर सबमर्ज होने के लिए कोई शिप है, मतलब फर्स्ट SS का मतलब है सबमरीन, और N का मतलब है न्यूक्लियर पावर्ड, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कौन सी हमारी, SSBN, ठीक है, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं ये। INS चक्रा न्यूक्लियर पावर है, अटैक सबमरीन बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें और इस आर्यहंत के अंदर क्या फ़र्क है, अटैक सबमरीन का मतलब है कि जब लड़ाई होगी आपकी, उस टाइम ये अटैक करने के लिए फ्रंट के ऊपर होगी। जैसे जो आपकी दुश्मन देश की शिप्स हैं उनको गिराने के लिए, उनके एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए क्रूज मिसाइल छोड़ेगी, टॉर्पीडो यूज़ करेगी, तो मतलब ये एक तरीके से वल्नरेबल हो जाएगी उस टाइम, तो दुश्मन देश भी इनको देख सकता है और इनको मार सकता है, और ये स्ट्रेटेजिक पर्पज़ के लिए होती है SSBN। तो SS का मतलब हमने देखा कि सबमरीन, जो सबमर्ज हो सकती है, ऐसी शिप को बोलते हैं SS, और B का मतलब बैलिस्टिक। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ती हैं, और इसके लिए बैलिस्टिक मिसाइल के साथ में न्यूक्लियर वार हेड लेके जाती हैं ये, तो उसके लिए ये क्या करती, स्ट्रेटेजिक रूप से छुपी रहती हैं। अगर आपका अटैक भी हो गया तो ये छुपी रहेंगी जब तक इनको डायरेक्शन ना मिले कि हमें अटैक करना है, फिर ये वहाँ से न्यूक्लियर पावर, जो न्यूक्लियर वेपन होगा उसको छोड़ेंगी। तो इसलिए इनको बोलते हैं SS। SS मतलब हमारी सबमरीन, B बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने वाली, और N न्यूक्लियर, ठीक है। और जो हमारी डीजल है इनको SSK बोलते हैं। तो SS मतलब सबमरीन, K मतलब हंटर किलर, तो ये किल करने के लिए होती है। जैसे ये नॉर्मल चक्रा है वैसे ये सेम काम करेगी, जब हमारी लड़ाई होती है तो इनका बेसिकली काम होगा, या तो ये जो हमारी SSBN है, अरिहंत है, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी, और कोई एयरक्राफ्ट है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगी और अटैक करने का काम करेगी, ठीक है। और ये जो है ये छुपी रहेगी, स्ट्रेटेजिक पर्पज़ के लिए होगी, बाद में अटैक करेगी न्यूक्लियर के साथ में, ठीक है। तो हमारे पास न्यूक्लियर में दो हैं, एक INS चक्रा रशिया से लिया हुआ है, इसका SSN भी बोलते हैं इसको, सबमरीन न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर अटैक करती है, और अटैक सबमरीन भी बोलते हैं इसको। और नेक्स्ट है हमारे पास अरिहंत, तो अरिहंत है हमारी SSBN, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने वाली है और न्यूक्लियर पावर्ड है। फिर हमारे पास कन्वेंशनल आती है, कन्वेंशनल में हमारे पास तीन क्लासेस हैं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दो ही हैं, तीन हैं टोटल हमारे पास है कन्वेंशनल 14, ठीक है। तो ये डीजल से पावर्ड हैं, इनको भी अटैक सबमरीन बोलते हैं, क्योंकि जब अटैक आपकी वॉर होती है तो उस टाइम अटैक करने के लिए फ्रंट के ऊपर होती हैं ये, और SSK बोलते हैं इनको, सबमरीन हंटर किलर। और थ्री क्लासेस हैं इनकी हमारे पास, सिंधु घोष, शिशु कुमार, और प्रोजेक्ट 75, जो कि अभी न्यूज़ के अंदर है, इंडिया और फ्रांस बना रहा है जिसको, प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन क्लास जो 6 बना रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो उनके नाम इंपॉर्टेंट है, जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके बस ऐसे याद कर लेना कि सिंधु घोष और शिशु कुमार, इनके अंडर भी डिफरेंट आती हैं, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन कुछ खास याद करने के लिए नहीं है वो, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है। फर्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं SSN और SSBN के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ये SSN कौन सी है, चक्रा है हमारा, SSBN अरिहंत है, ठीक है। तो जो न्यूक्लियर ट्राइएड की बात होती है, तो उसमें जो नेवी की तरफ से हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ा जाएगा, वो छोड़ा जाएगा INS अरिहंत से, बैलिस्टिक मिसाइल से। तो ये एब्रीविएशन है किस चीज़ के लिए, सब मर्जिबल शिप, मतलब सबमरीन है जो कि न्यूक्लियर पावर से चलती है, उसको बोलते हैं SSN। और SSBN मतलब कि
कि सबमरीन है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ सकती है और न्यूक्लियर पावर से चलती है, और इसको जब मतलब अगर नियर बाई अटैक करना हो आपने तो उसके काम आएगी ये। अगर नियर बाई अटैक करने के काम आएगी तो दुश्मन देश इसको देख भी सकता है, और इसको फार डिस्टेंस के ऊपर आपने अटैक करना है। अब जैसे बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ेगी काफ़ी लंबे डिस्टेंस के ऊपर में, ठीक है, ये क्रूज़ मिसाइल छोटी मोटी मिसाइलें लेके चलेगी, टॉर्पीडो लेके चलेगी, अंडर वाटर अटैक करेगी, बाहर भी अटैक कर देगी लेकिन नज़दीक अटैक करने के लिए होगी ये, ठीक है। तो ये एनिमी की जो शिप्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के काम आती है, और इसको सीक्रेटली रखा जाता है जब तक कि अटैक करने की परमिशन ना मिले, उसके बाद ये अटैक करेगी स्ट्रेटेजिक पोजीशन के ऊपर, ठीक है। इसको जर्नल पर्पज़ में यूज़ किया जाता है, ऑल अटैक सबमरीन, ठीक है, और इसको स्ट्रेटेजिक अटैक के रूप में यूज़ किया जाता है। इसको छुपाए रखते हैं नीचे, हम इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, और यहाँ से फिर न्यूक्लियर वारहेड छोड़ा जाएगा। फिर हमारे पास INS चक्राम ने देख लिया, ये अकुला क्लास रशिया से लिया हुआ है, INS अरिहंत हमने खुद बनाया हुआ है, कलवरी जो प्रोजेक्ट 75 है स्कॉर्पिन क्लास उसको फ्रांस के साथ इंडिया बना रहा है, और हमारा जो INS शिशु कुमार है ये इंडिया और जर्मनी ने बनाया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से हैं याद करने की जरूरत नहीं है कुछ खास, बट ऐसे ही मैंने मतलब पूरी पिक्चर समझाने के लिए यहाँ पे डाल दिए हुए हैं, ठीक है, तो इनको आप देख सकते हो एक बार। फिर हमारे पास आता INS शिशु कोश, तो ये रशिया से लिया हुआ है हमने, ठीक है, और इसकी भी डिफरेंट डिफरेंट जो शिप्स हैं हमारी, जैसे मैंने बताया कि 14 हैं ये टोटल, तो इनके नाम एक बार देख लेना, ज़रूरी नहीं है वैसे याद करना। तो ये आता हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर। तो अब हमने देख लिया कि अगर अंडर वाटर अपने हमने अटैक करना है तो उसके लिए हमारे पास है न्यूक्लियर सबमरीन, लेकिन अब हमने ऊपर भी अटैक करना है, वाटर के ऊपर भी आपने अटैक करना है, तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं जो हमने पीछे देखे थे। सबमरीन हमने कंप्लीट कर ली, एयरक्राफ्ट कैरियर बचा, मतलब अब हमने ऊपर वाटर सरफेस के ऊपर अटैक करना है। तो सरफेस एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट, कॉर्वेट और पेट्रोलिंग वेसल, तो ये ऊपर काम आते हैं हमारे। तो चलिए अब इनको देखते हैं, इनके पहले फंक्शन देख लेते हैं एक्चुअल में क्या करना है। सबमरीन से हमने अटैक कर लिया, अब एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या काम है। अब मान लो हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना है, तो जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी रेंज लिमिटेड होती है, उनमें जो फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो अगर उनको हमने मान लो इंडिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से गुजरात से हमने पाकिस्तान पे अटैक करना है यहाँ पे, तो यहाँ से हम इसको एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके जाएंगे, इसमें ऊपर हमारे जो लड़ाकू विमान होंगे उनको साथ में लेके जाएगी आगे तक, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस खुद ट्रैवल करेगी, यहाँ से उड़ के वो अटैक कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर। पर इसमें कोई प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा वेपन नहीं लगे होते, मतलब हल्का फुल्का होता है, इसके अंदर बस आप सामान ले जाने के काम आता है, जो एयरक्राफ्ट वगैरह होंगे आपके, ठीक है, फाइटर जेट हैं उनको ले जाने के काम आता है। इसमें कुछ खास मतलब इसकी प्रोटेक्शन के लिए इतने इक्विपमेंट नहीं होते, इसमें हैवी मशीनरी नहीं होती, तो ये वल्नरेबल होती है काफ़ी जब ये साथ में चल रही हो, तो इसको प्रोटेक्शन चाहिए। तो इसको कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, तो ये जैसे यहाँ पर चली हुई है, इसको लेके जा रहे हैं हम, तो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए होते हैं हमारे पास डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट। तो फ्रिगेट जैसे इनमें मान लो एक डिस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट मान लो, ठीक है, तो डिस्ट्रॉयर होंगे जो सबसे बड़े होंगे, वो काफ़ी मतलब इनसे थोड़े छोटे होंगे लेकिन सबसे बड़े होंगे अटैक करने के लिए, वो मेन होते हैं अटैक करने के लिए। जब भी आपने अटैक करना है या इनको डिफेंड करना है तो वो मेन होंगे, उनके ऊपर जो हमारे वेपन वगैरह होंगे काफ़ी लीथल लगे होंगे, पूरे हैवी मशीनरी, उनका आर्मर काफ़ी मजबूत होगा, तो वो अटैक सहने की कैपेसिटी भी रखेंगे और अटैक करने की भी रखेंगे। तो आपका जो एयरक्राफ्ट कैरियर जा रहा है इसको प्रोटेक्ट करवाया जाएगा उससे, या कोई और शिप जा रही है जिसके अंदर हम मतलब सैनिकों वगैरह को लेके जा रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने के काम आएगा। लेकिन ये अब बड़ा है इतना ज़्यादा, तो ये मूव फास्टली मूव नहीं कर सकता, ना ज़्यादा इसकी स्पीड होती है ना ये फास्टली, मतलब एक तरीके से टर्न लेना हो तो उतना फास्ट नहीं ले सकता। तो फिर इसी के साथ में एक छोटी, इससे भी छोटी, काम सेम करेगी, वेपन भी सेम होंगे, हम लगाएंगे यहाँ पे फ्रिगेट, ठीक है, तो फ्रिगेट इससे थोड़ी छोटी होगी, वो भी सेम काम करेगी, और इनसे भी छोटा होगा फिर कॉर्वेट, ठीक है, इनसे छोटा होगा कॉर्वेट, उसको रखेंगे कोस्ट के पास में, वो कोस्ट की प्रोटेक्शन करेगा, वेपन उनमें सेम होंगे लेकिन अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पेट्रोल वेसल होते हैं, पेट्रोल वेसल जैसे पुलिस पेट्रोल करती है गाड़ी लेके, वैसे ये पेट्रोलिंग के होते हैं, जैसे हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, टेरिटोरियल वाटर है, तो उसमें पेट्रोलिंग करने के लिए, जैसे पायरेसी कोई ऑपरेशन होते हैं, या मतलब कोई और यहाँ पे मतलब अटैक वगैरह कुछ होता है, या छोटा मोटा जो पेट्रोलिंग करते हैं उसके लिए काम आते हैं पेट्रोलिंग वेसल। तो हमने देख लिया एयरक्राफ्ट कैरियर जो कैरी करने के काम आता है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने के लिए हमारे पास है डिस्ट्रॉयर, उससे छोटा है हमारे पास फ्रिगेट, फिर फ्रिगेट से छोटा है हमारे पास कॉर्वेट, कॉर्वेट को रखा जाता है शोर के साथ में, और इन दोनों को लेके जाएंगे जब बैटल वगैरह होगी हमारी, तो इसमें ले जाएंगे हम फाइटर जेट को, और इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम डिफरेंट जो शिप है हमारी डिस्ट्रॉयर एंड फ्रिगेट को लेके जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ एक है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। पहले हमारे पास INS विक्रांत भी था जिसको डीकमीशन कर दिया गया है, अभी इसी नाम से नया बना रहे हैं, लेकिन ये अभी आया नहीं है फोर्स के अंदर, तो आपको सिर्फ याद रखना है एक है हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर। फिर देखेंगे डिस्ट्रॉयर, तो डिस्ट्रॉयर क्या करेगा, गार्ड करेगा वेसल्स को, कौन कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमने देख लिया, एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक। तो एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक क्या होता है, ये होता है मान लो आपने मालदीव के ऊपर अगर अटैक करना है या कोई हेल्प भेजनी है वहाँ पे, तो अपने सैनिकों को आप
किस जो जहाज होगा उसके अंदर लेके जाओगे। तो ये शिप होगी हमारी, उसके अंदर काफ़ी, जैसे आपकी जो और शिप हैं वो अटैक करने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन ये किस चीज़ के लिए है, जो आपके सैनिक हैं उनको बैठा के लेके जाएगी। इसकी कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी है सिर्फ है, तो ये कैरी करके लेके जाएगा उनको, तो उनको भी प्रोटेक्ट करना है, तो उनको डिस्ट्रॉयर प्रोटेक्ट करेगा। तो ये हमारे पास एक है जिसका नाम है INS जलस्वा। एंड फिर हमारे पास एक है लैंडिंग शिप टैंक। तो ये शिप, इसका क्या मतलब हुआ, इसके अंदर MPBS ट्रांसपोर्ट डॉक के अंदर हम जो हमारे सैनिक थे उनको लेके जा रहे थे, लेकिन इसमें हम टैंक वगैरह या कोई मशीनरी वगैरह है उसको लेके जा रहे हैं। जैसे मान लो हमने टैंक्स वगैरह या कोई और हमारी छोटी मोटी शिप्स हैं वो हमने अपने कोच से लेके अंडमान निकोबार में लेके जानी है, तो इसका यूज़ किया जाएगा। अब टैंक को सिर पे उठा के तो कोई लेके नहीं जाएगा, या उसको फ्रीगेट के अंदर या डिस्ट्रॉयर के अंदर नहीं लेके जाएगा, उनका पर्पज़ कुछ और है। तो ये होगा इन मशीनरी को कैरी करने के लिए, ठीक है। तो ये न्यूज़ के अंदर नहीं रहते, तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन है उनको याद करो, ठीक है। डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर की क्लासेज आपको याद करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी हैं, इनके क्वेश्चन आ सकते हैं, ये न्यूज़ के अंदर रहते हैं कभी कभी। तो इसमें याद कर लेना सिटीज़ के नाम पे हैं, तीन तो सिटीज़ के नाम पे हैं, कोलकाता हो गया कोलकाता क्लास, इसमें INS कोलकाता हो गया, INS कोची हो गया, INS चेन्नई हो गया, और फिर दिल्ली क्लास, इसमें INS दिल्ली, मैसूर, मुंबई, और विशाखापट्टनम क्लास, इसमें विशाखापट्टनम, मुरमुगाव। और याद रखना कि ये प्रोजेक्ट 15B है, विशाखापट्टनम क्लास की जो डिस्ट्रॉयर हैं उनको प्रोजेक्ट 15B बोलते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट 17-5 कौन सा है हमारा, कलवरी क्लास का। फिर हमारे पास राजपूत क्लास की है, इसमें INS राजपूत है, INS राणा है, INS रंजीत है, INS रणवीर है एंड रणविजय है, ठीक है। तो ये हमारे डिस्ट्रॉयर हैं। फिर हमारे पास आते हैं फ्रीगेट, जो डिस्ट्रॉयर से तो छोटे होते हैं लेकिन काम उन्हीं की तरह करते हैं, इनकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है उनसे और मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, मतलब ये टर्न वगैरह काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, फास्ट होते हैं। तो इसमें भी हमारे पास चार क्लासेज हैं, एक शिवालिक क्लास, तो इसमें INS शिवालिक हो गया, INS सतपुरा हो गया, सहाद्री हो गया, प्रोजेक्ट 17 के अंदर इनको बनाया गया था। दूसरा है हमारे पास ब्रह्मपुत्रा क्लास, तो INS ब्रह्मपुत्रा, INS बेतवा और INS ब्यास, तो रिवर्स के नाम पे हैं ब्रह्मपुत्रा वाले, इसको प्रोजेक्ट 16A के अंदर बनाया गया था। फिर हमारे पास है तलवार क्लास, ये INS तलवार है, त्रिशूल है, टापा है, टेग है, तरकश है, त्रिकंद है, इनको बनाया गया था प्रोजेक्ट 11-356 के अंदर। फिर हमारे पास फोर्थ कैटेगरी है फ्रिगेट की, गोदावरी क्लास, तो इसमें INS गोदावरी, गंगा, गोमती, इनको बनाया गया था प्रोजेक्ट 16 के अंदर। नेक्स्ट आते कॉर्वेट्स, तो हमने देखा था एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रोटेक्शन देने के लिए डिस्ट्रॉयर और हमारे फ्रिगेट। अब कॉर्वेट क्या होते हैं, कॉर्वेट शोर की तरफ, इंडिया का शोर है, इसमें शोर में प्रोटेक्शन के लिए बनाए होते हैं, सेम इन में फंक्शनिंग जो मशीनरी वगैरह होती है उन्हीं की तरह डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट की तरह होती है, लेकिन ये छोटे होते हैं साइज़ में तो कम मशीनरी कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये सेम होते हैं, इनकी तरह डिस्ट्रॉय करने के काम आते हैं, लेकिन इनको कोस्ट की तरफ रखा जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास चार क्लासेज हैं, कामोर्ता क्लास, वीर क्लास, खुकरी क्लास एंड अभय क्लास। तो इनमें से हमारी कामोर्ता क्लास है, ये न्यूज़ के अंदर रहती है। तो कामोर्ता के अंदर आता है INS कामोर्ता, INS कदमाता, INS किल्तन, INS कवारती, ठीक है। तो किल्तन अभी रिसेंट में न्यूज़ में था, किल्तन के बारे में देख लेते, INS किल्तन। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन जो पीछे अभी पीछे वाला ट्रेंड है UPSC का, उसमें सिर्फ इतना ही आया हुआ है कि जैसे पूछा था कि INS किल्तन क्या चीज़ है, उसमें नीचे ऑप्शन दे देंगे आपको, क्या ये टॉर्पिडो लॉन्च वेसल है, टॉर्पिडो रिकवरी वेसल है, ये किस चीज़ के काम आ रहा है आपको, तो वैसे पूछेंगे, पेट्रोलिंग वेसल है ये या कॉर्वेट है ये, तो वैसे ही क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। तो इनमें से अगर आपको नाम पहचानने आ गए तो आपका काम चल पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक आइडिया लग गया और उसके बाद ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, शिवालिक क्लास, ब्रह्मपुत्रा क्लास, गोदावरी क्लास, तो इसमें याद कर सकते हो। डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर तीन सिटी के नाम पे हैं, कोलकाता, दिल्ली, विशाखापट्टनम और चौथा राजपूत, और ये जो हैं ये नॉर्मल पहाड़ों के ऊपर, नदी के ऊपर बना दिए गए हैं। शिवालिक क्लास हो गया, ब्रह्मपुत्रा क्लास, गोदावरी क्लास, तलवर क्लास, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। फिर हमारे पास आता कॉर्वेट्स, कॉर्वेट्स कामोर्ता, वीर, खुकरी, अभय क्लास, तो इसमें किल्तन हमारा न्यूज़ के अंदर था, कामोर्ता, कदमाता, किल्तन, कवारती। फिर किल्तन, किल्तन क्या काम करेगा, किल्तन कॉर्वेट है, शोर की तरफ रहेगा, अगर सबमरीन के लिए अटैक वगैरह करना है तो उसमें ये काम आ सकता है हमारा। और बनाया कौन से प्रोजेक्ट के अंदर था, प्रोजेक्ट 28 के अंदर इसको बनाया गया था, और इंडिजिनस है ये, सभी जो मैंने पीछे बनाए वो इंडिया ने खुद ही बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इसको इंडिया के अंदर बनाया गया, कोलकाता के अंदर, ये याद करने की जरूरत नहीं है कहाँ पे बनाया गया, लेकिन इंडिजिनस है ये, और इसमें 90% जो मटेरियल यूज़ किया वो इंडिया का ही है। फिर हमारे पास आता है पेट्रोल वेसल, तो पेट्रोलिंग के लिए जैसे पुलिस लैंड के ऊपर पेट्रोलिंग करती है, वैसे ही पेट्रोलिंग करने के लिए वेसल्स होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर होते हैं। तो इनके सभी क्लासेस के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो न्यूज़ के अंदर हैं, जो मैं अभी करवाने वाला हूँ सिर्फ वही याद करने। तो इसमें काफ़ी क्लासेज हैं, कार निकोबार क्लास, बंगारम क्लास, समृत क्लास एंड सुकन्या, त्रिकांत क्लास, अधेश क्लास। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ये न्यूज़ के अंदर थे, आर्यमान अतुल्या, क्या चीज़ें, फास्ट पेट्रोल वेसल, तो पेट्रोलिंग करने के लिए वेसल बनाए हुए हैं, जो हमारा कोस्ट होगा वहाँ पे पेट्रोलिंग करने के काम आएंगे ये, ठीक है। तो फास्ट पेट्रोल वेसल, आर्यमान अतुल्या क्या है, फास्ट पेट्रोल वेसल। फिर हमारे पास था एक शौर्या, तो
तो ये क्वेश्चन आए अगर INS सौर्या किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये क्या है? ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, मतलब शोर की तरफ, शोर से अगेंस्ट समुद्र की तरफ जाने वाला पेट्रोलिंग करने के लिए वेसल्स है। तो आपको बस बेसिक्स आइडिया होना चाहिए, पेट्रोलिंग करने के काम आ रहे हैं ये सभी। तो INS सौर्या क्या करता है? पेट्रोलिंग के काम आता है। इसको इंडिया ने बनाया हुआ है, ठीक है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया हुआ है, और ये है विश्वस्त क्लास का, ठीक है, नहीं इम्प्रूवमेंट है ये, सॉरी इम्प्रूवमेंट है ये, विश्वस्त क्लास का। और किस क्लास का है? समृद्ध क्लास का है, ये जो हमने यहाँ पे देखी थी उस क्लास का ये। तो इसके अंदर और भी बनाए हुए हैं जो समृद्ध क्लास है, इसके अंदर और भी हमारे पास, जैसे हमारे पास शूर है, सारथी है, शौनक है, शौर्य है, सुजय है। तो याद हो जाए तो काफ़ी अच्छा है, अगर याद ना भी हो तो शौर्य याद कर लेना जो न्यूज़ के अंदर थे। फिर हमारे पास आते कार निकोबार क्लास पेट्रोल वेसल, तो ये भी न्यूज़ के अंदर थे। इनको रिसेंटली कमीशन किया गया था, इनमें से कौन से को? INS तराशा को। तो तराशा को किया गया था रिसेंट के अंदर, तो ये न्यूज़ के अंदर था। तो कार निकोबार क्लास के हैं ये, जो हमने पीछे देखी एक क्लास थी फर्स्ट, जैसे काफ़ी क्लासेस थी, फर्स्ट थी कार निकोबार क्लास और समृद्ध क्लास। तो समृद्ध में हमने देखा अभी शौर्य, और कार निकोबार क्लास के अंदर अभी देखने वाले हम, तो कार निकोबार क्लास के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। अभी रिसेंट के अंदर तराशा था, उससे पहले तियाहू, फिर हमारा तिलचंग, फिर तरमुगली। तो ये थे हमारे, इसको आपको बस इतना याद करना है कि कार निकोबार क्लास है और नाम क्या है इसका, तराशा। और इससे पीछे वाले भी अगर याद कर लें तो वो और ज़्यादा बेटर होगा, आप पहचान पाओगे अच्छे से। और इसमें फर्स्ट टाइम जो है वाटर जेट प्रोपेलेंट सिस्टम यूज़ किया गया था। तो प्रोपेलेंट सिस्टम अलग अलग होते हैं, जैसे मान लो शिप होती है हमारी, उसको आगे की तरफ खींच के लेके जाना है, आपने पीछे की तरफ धक्का देना है, आगे लेके जाना है, तो उसके लिए कई कई सिस्टम होते हैं, जैसे पैडल के सिस्टम होते हैं, कैटरपिलर के, जैसे पीछे पैडलिंग होती है उस तरीके के सिस्टम, कैटरपिलर का सिस्टम होता है। इसमें वाटर जेट प्रोपेलेंट का यूज़ किया जा रहा है, मतलब वाटर को शक किया जाएगा, उसको प्रेशर से पीछे की तरफ छोड़ा जाएगा, उससे ये आगे की तरफ बढ़ेगा। इसकी एडवांटेज ये है कि इसको, मतलब जैसे ये एक एक जगह पे खड़ा भी है, तो उसमें एक ही जगह पे खड़ा हुआ है, ये जो इसके पोर्शन है जहाँ से वाटर फेंक रहा है, इनको टेढ़ा करके उसी प्लेस से इसको मोड़ा जा सकता है, ऐसे इस तरीके से मोड़ा जा सकता है। मतलब काफ़ी मैन्यूवरिंग जो कैपेबिलिटी है इसकी काफ़ी अच्छी है, इसको रोकने की कैपेबिलिटी, इसको उठाने की, स्पीड देने की कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है। फिर हमारे पास प्रोजेक्ट 71 के अंदर हमने क्या बनाया है? नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल। तो अभी पेट्रोल वेसल के बारे में ही देख रहे हैं, तो जो भी नाम आएंगे, जैसे अगर क्वेश्चन के अंदर आया INS सांची, INS श्रुति, क्या चीज़ें हैं, तो आपको पता होना चाहिए पेट्रोलिंग करने के लिए वेसल चाहिए। कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बनाया? प्रोजेक्ट 70, प्रोजेक्ट 21, ठीक है। तो जो मेन मेन प्रोजेक्ट है उनके नाम